हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास सिक्स और सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर, जो इस साल आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है ना दोस्तों, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो होने वाला है आपका। तो इस रिगार्डिंग हम ये सब्जेक्ट जो कंप्यूटर है ना क्लास सिक्स के लिए, इसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। और दोस्तों, मैं सैम्पल पेपर को जो मैं कराने वाला हूँ, इसको इंफॉर्मेटिव जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंड तक जरूर देखना। अब मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। और जो भी सब्जेक्ट का आपको सैंपल पेपर चाहिए वो कॉमेंट जरूर कर देंगे, ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। इसमें लिख रहा है, यू कैन क्लिक एनी वेयर ऑन द डैश टू जम्प टू एनी पार्ट ऑफ द वीडियो। तो इसका आंसर है दोस्तों टाइमलाइन। ओके, फिर नेक्स्ट, C++ एंड जावा सम ऑफ वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश लैंग्वेज। तो इसका है हाई लेवल लैंग्वेज, यह आंसर आ जाएगा। यू कैन क्लिक ऑन द डैश बटन टू अप्लाई द सेलेक्टेड इफेक्ट्स ऑन ऑल द स्लाइड्स। तो इसका आंसर आ जाएगा अप्लाई टू ऑल। ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ स्लाइड जूम। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों आपका, देखो इसमें दे रखा है जूम, और इसमें दे रखा है एक आपका स्लाइड जूम और जूम स्लाइड। तो इसमें स्लाइड जूम ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्लाइड जूम ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ऑन विच टैब डू यू फाइंड द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन। तो इसका आ जाएगा इंसर्ट। फिर नेक्स्ट है, द डैश फंक्शन की इज़ यूज टू चेंज द सेल कंटेंट्स ऑफ अ सेलेक्टेड सेल। तो इसमें आएगा दोस्तों आपका F2। टू सेलेक्ट अ रेंज होल्ड डाउन द डैश की एंड क्लिक ऑन द एडजेसेंट सेल्स शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट। तो इसमें जो आपका आएगा शिफ्ट आएगा दोस्तों, क्या आएगा? शिफ्ट। अब हम आगे चलते हैं। तो देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, ये तो हो गया था 8। देखो, डैश इज द शॉर्टकट की टू अंडू द लास्ट एक्शन। तो इसमें आएगा Ctrl+Z A। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक एरिया दैट यू वॉन्ट टू फोकस ऑन, सिमिलर सेलेक्शन, क्रॉप, स्मार्ट पैच। तो इसका आंसर दोस्तों आपका आएगा क्रॉप, ठीक है। क्या आएगा? क्रॉप आ जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट है, द डैश टूल इन क्रीटा इज अवेलेबल एज अ ब्रश कॉपी क्रॉप क्लोन। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों आपका क्लोन। ओके, सी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है, इज अ रेडीमेड बटन फॉर डिफाइनिंग हाइपर लिंक ऑन अ स्लाइड। तो इसका जो आंसर है ना दोस्तों आपका डैश, इसमें आप लिख देना एक्शन बटन। एक्शन बटन इज अ रेडीमेड बटन फॉर डिफाइनिंग हाइपर लिंक ऑन अ स्लाइड। फिर नेक्स्ट, इट इज एसेंशियल टू कनेक्ट अ डैश टू द कंप्यूटर वाइल रिकॉर्डिंग योर साउंड। तो इसमें आएगा आपका माइक्रोफोन दोस्तों, माइक्रोफोन, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये रहा। यहाँ पर आपका लिख रखा है, देखो यहाँ पर आपका क्या लिख रखा है, यहाँ पर लिख रखा है द प्रेजेंटेशन। ये क्या है आपका? प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। द प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डैश दैट आर अरेंज इन अ सिक्वेंशियल मैनर, अरेंज्ड इन अ सिक्वेंशियल मैनर। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दोस्तों आपका स्लाइड्स होता है। क्या होता है? ओके, टू प्ले अ साउंड इन योर प्रेजेंटेशन यू कैन क्लिक ऑन द डैश आइकन। तो इस पर किस पे आइकन पे करना पड़ता है? साउंड आइकन पे। किस पे? साउंड आइकन। ओके, फिर नेक्स्ट, डैश आर अ ग्रेट वे टू प्रोवाइड फीडबैक टू द अदर्स अबाउट दियर प्रेजेंटेशन। तो यहां पर आप दोस्तों लिख देंगे कमेंट्स, कमेंट्स। ओके, फिर नेक्स्ट, आउटलाइन सिलेक्शन टूल इज अ डैश सिलेक्शन टूल। इसका आता है फ्री हैंड। क्या होता है? फ्री हैंड सिलेक्शन। ओके, अब यहां पर ट्रू फॉल्स है, कॉपिंग रेफर्स टू प्लेसिंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये बात सही है, ट्रू है। नेक्स्ट, टू टर्न ऑन द ओवरटाइप मोड प्रेस द इंसर्ट की फ्रॉम द कीबोर्ड। इसमें भी ट्रू आएगा। यूजिंग द नोट स्पेस व्यू
यू कैन इंक्लूड द नोट्स इन अ प्रेजेंटेशन दैट यू कैन सेंड टू द ऑडियंस। तो इसमें दोस्तों आपका फोल्स आ जाएगा। फिनिश है यूजिंग इंक टू शेप टूल यू कैन कन्वर्ट द हैंड ड्रोन शेप्स इन टू यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक शेप। तो इसका आंसर भी आपका दोस्तों ये आ जाएगा ट्रू, ठीक है ट्रू आ जाएगा। फिनिश द लैसो सेलेक्शन टूल इज़ यूज टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो ये भी ट्रू है दोस्तों आपका। फिनिश एक्शन बटन कैन बी यूज टू लिंक एनी अदर एप्लीकेशन टू द करंट स्लाइड। तो इसका आंसर है दोस्तों ट्रू। बस एक फॉल्स आएगा ये वाले थर्ड वाले, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनिमेशन। अब देखो इन क्वेश्चनों के आंसर मैं यहाँ लिखूंगा, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं इनकी अलग से पीडीएफ अभी दे दूंगा आपको, इसके आंसर की वहीं पर देख लेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ इज़ फोटो एल्बम यूजफुल, वॉट इज़ द यूज ऑफ स्लाइड शॉर्टर व्यू, वॉट इज़ द ऑटो फिल फीचर, वॉट इज़ द यूज ऑफ फ्लैश फिल फीचर इन एक्सेल, वॉट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेलेक्शन टूल्स इन क्रीटा, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ द आउटलाइन सेलेक्शन टूल। फिर नेक्स्ट है, विक्रम हैज इंसर्ट एन इमेज इन अ न्यू फाइल, ही वॉन्ट्स टू डुप्लीकेट वर्ट ऑफ इट ऑन द सेम लेयर, सजेस्ट द टूल विच विल फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट। फिर नेक्स्ट है, विद्या इज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, इफ इन वन ऑफ हर फोटोग्राफ शी वॉन्ट्स टू फोकस ओनली ऑन द लायन इन द प्राइड एंड रिमूव द रैश, विच टूल कैन मीट द रिक्वायरमेंट। ये वाला भी आंसर अभी हम देख लें, क्वेश्चन देख लो आप तो, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर टेंथ है आपका, सुरभि वॉज असाइन टू टास्क टू राइट अ सीरीज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10 विदाउट यूजिंग द कीबोर्ड, हेल्प हर कंप्यूटर द असाइनमेंट, ठीक है। तो ये तो आपके क्वेश्चन है शॉर्ट वाले। अब लॉन्ग वाले इसमें दो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रॉप टूल स्मार्ट पेज टूल, और इसके और वाले में मैं दोनों ही बता दूंगा आपको, ठीक है, आपको कोई एक करना होगा अपने एग्जाम में। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल व्यू और आउटलाइन व्यू, ओके। और दो देखो दोस्तों, इस पेपर को है ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, ताकि है ना आपका भला तो हो ही हो और उनका भी हो जाए। शेयरिंग करने से आप इसको शेयर कर दो, ताकि वो उसका भी थोड़ा सा वो मतलब वो भी पेपर पढ़ ले, है ना, जैसे आप भी पढ़ रहे हो वो भी पढ़ लेगा, है ना। देखो अब इसके आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो देखो शॉर्ट टाइप के आंसर ये रहे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनिमेशन। तो एनिमेशन में क्या होता है, एनिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मूविंग इमेजेस और ऑब्जेक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर विच इज ऑफन यूज इन प्रेजेंटेशंस वीडियोस टू मेक कंटेंट मोर इंगेजिंग, ओके। एनिमेशन करते हैं ना वही चीज़। हाउ इज फोटो एल्बम यूजफुल, फोटो एल्बम अलाउज यू टू क्रिएट अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट टू ईजिली शोकेस देम इन सिक्वेंशियल मैनर। देखो पावर पॉइंट PPT आपके स्कूल में बनवाई होगी ना प्रैक्टिकल में, तो वहाँ से यही चीज़ है, फोटो लाते हो उसमें और फिर उसको कलेक्शन कर लेते हैं एक तरफ एक साथ, और फिर उसमें करते हैं हम एनिमेशन वगैरह जो भी करते हैं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या होता है, अलाउज यू टू व्यू ऑल द स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन इन थंबनेल फॉर्म, मेकिंग इट इजियर टू रिकॉर्ड और ऑर्गेनाइज द स्लाइड्स, ओके। व्हाट इज द ऑटो फिल फीचर, ऑटो फिल एन एज ए एक्सेल फीचर दैट ऑटोमेटिकली फिल सेल्स विद डेटा बेस्ड ऑन अ पैटर्न और सिक्वेंस, ओके। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था आपके दोस्तों, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लैश फिल फीचर इन एक्सेल। इसका आंसर है फ्लैश फिल ऑटोमेटिकली फिल्स इन द वैल्यूज बाय रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स एंड अप्लाई द सेम पैटर्न टू द एंटायर कॉलम। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिलेक्शन टूल्स इन क्रीटा। तो इसका आंसर है दोस्तों, सिलेक्शन टूल इन क्रीटा अलाउज यूजर्स टू सेलेक्ट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन इमेज फॉर एडिटिंग क्रॉपिंग और अप्लाइंग इफेक्ट, ठीक है। क्रॉपिंग तो आप जानते हैं, जैसे ये इमेज है इसको यहाँ से मैं काट दूंगा ऐसे, क्रॉपिंग, ओके। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, एक्सप्लेन द यूटिलिटी द आउटलाइन सेलेक्शन टूल, ये होता है आपका ये द आउटलाइन सेलेक्शन टूल हेल्प सेलेक्ट द फ्री हैंड। अब देखो ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मैं इसको रीड आउट नहीं कर रहा, वीडियो की लाइन थोड़ी कम रखनी है, तो आप इसका स्क्रीन शॉट खींच लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आगे मैं चलता हूँ, लॉन्ग जो क्वेश्चन आए थे ना आपके वो भी दिखा देता हूँ। देखो लॉन्ग क्वेश्चनों के आंसर ये रहे, और वाला पार्ट ये रहा, और इससे पहले वाला पार्ट ये रहा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों इसका। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों ये सैंपल पेपर यहीं फिनिश होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस सैंपल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैंपल पेपर्स की इन्फॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।